IPL 2023 के एडिशन के लिए हमें यहाँ पर 16 दिसंबर को बेंगलुरु में ऑक्शन देखने को मिलेगा। ऑक्शन से पहले आज मुंबई इंडियंस ने अब ऑफिशियली अपने ऑक्शन के लिए यहाँ पर रिलीज खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है, जहाँ पर मुंबई ने यहाँ पर 8 बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम से रिलीज किया है। मैं इस वीडियो में आपको मुंबई के यहाँ पर रिलीज खिलाड़ियों के नाम बताऊंगा और आपको बताऊंगा किन खिलाड़ियों को रिलीज करने के बाद मुंबई के पास ऑक्शन के लिए कितना पर्स बैलेंस बचा है, ऑक्शन में आखिर कितने करोड़ अब ये टीम लेकर जाएगी, आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि मुंबई की टीम ने आईपीएल 2023 के एडिशन के लिए कौन कौन से खिलाड़ियों को यहां पर रिलीज किया, कौन कौन से मुंबई के खिलाड़ी आईपीएल 2023 के ऑक्शन का भाग बनेंगे। इसके साथ ही अब यहाँ पर आईपीएल 2023 के ऑक्शन में मुंबई की टीम कितने करोड़ आखिर लेकर जाएगी, तो पिछले ऑक्शन के समाप्ति के बाद आज की तारीख में मुंबई के पास केवल 10 लाख का पर्स बैलेंस बचा है। केवल 10 लाख रुपए इस टीम के पास बचे, केवल 10 लाख रुपए आज की तारीख में इस टीम के पर्स बैलेंस में। और बीसीसीआई ने इस साल पर्स बैलेंस को वैसे भी यहाँ पर 5 करोड़ इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पर मुंबई के पास 5 करोड़ 10 लाख रुपए यहाँ पर केवल पर्स बैलेंस बचा है मुंबई की टीम को। अब यहाँ पर बड़े कुछ खिलाड़ियों को रिलीज करना पड़ा ताकि मुंबई की टीम यहाँ पर अच्छा पर्स बैलेंस लेकर जा सके। अब बात करते हैं मुंबई ने कौन कौन से खिलाड़ी को यहाँ पर रिलीज किया, तो मुंबई की टीम ने जयदेव उनडकट को, इनकी प्राइस 1.3 करोड़ थी, इनको रिलीज किया। इसके साथ ही बैसिल थम्पी, इनकी 30 लाख बेस प्राइस थी। इसके साथ ही टाइमल मिल्स, इनकी यहाँ पर प्राइस 1.5 करोड़ थी। इसके साथ ही मुरुगन अश्विन 1.6 करोड़ इनकी प्राइस थी। मुंबई ने इन खिलाड़ियों को इन प्राइस में परचेज किया था। इसके साथ ही अरशद खान की यहाँ पर 20 लाख प्राइसिंग थी, अरशद खान को भी इस टीम ने रिलीज किया। और खबरों के अकॉर्डिंग कायरन पोलार्ड को भी मुंबई ने रिलीज किया, 6 करोड़ कायरन पोलार्ड की प्राइस थी। इसके साथ ही फेबेन एलन की 75 लाख प्राइस थी, 75 लाख वाले फेबेन एलन को मुंबई ने रिलीज किया। इसके साथ ही ईशान किशन पर अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ईशान किशन को भी शायद ये टीम रिलीज करके दोबारा से रीबाय करने का प्रयास करेगी, जहां पर ईशान किशन को 15.25 करोड़ के बड़े अमाउंट में इस टीम ने परचेस किया था। तो इस वजह से यहां पर मुंबई की टीम इनको यहां पर रिलीज करके रीबाय का प्रयास करेगी। तो मुंबई ने उनडकट, इसके साथ ही बेसिल थम्पी, टाइमर मिल्स, मुरुगन अश्विन, अरशद खान को, इसके साथ ही कायरन पोलार्ड को, फेबेन एलन को, इसके साथ ही ईशान किशन को यहां पर रिलीज करने का फैसला लिया। हो सकता है कि इसमें से मुंबई की टीम ईशान किशन का नाम वापस ले ले, लेकिन ईशान किशन को मुंबई की टीम ऑप्शन में भेजेगी तो मुंबई के पास अच्छा खासा पर्स बैलेंस रहेगा। तो इन खिलाड़ियों को ओवरऑल यहां पर रिलीज करने के बाद मुंबई का टोटल पर्स बैलेंस यहां पर ऑक्शन के लिए अब 32 करोड़ रुपए हो चुका है। 32 करोड़ शायद मुंबई की टीम अब ऑक्शन में लेकर जाएगी। 32 करोड़ में मुंबई की टीम यहां पर काफी बड़े बड़े खिलाड़ियों को इजीली परचेस कर सकती है, जहां पर कैमरन ग्रीन को शायद मुंबई की टीम देख रही है, इसके साथ ही कुछ और ऑलराउंडर्स को मुंबई की टीम देख रही है, एक विदेशी गेंदबाज को मुंबई की टीम देख रही है। तो शायद मुंबई इन पैसों में यहां पर वो सारी अपनी नीड को फुलफिल कर पाए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से मुंबई की प्लानिंग है। आप कमेंट करके बताइए आपको मुंबई की क्या रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट सही लगी या फिर नहीं, और कल की वीडियो में आप कौन सी टीम के यहां पर रिलीज प्लेयर की लिस्ट देखना चाहते हो आप कमेंट जरूर करें। जिस भी टीम के रिगार्डिंग सबसे अधिक कमेंट होंगे कल के दिन उस टीम की वीडियो आएगी, तो आप अधिक से अधिक कमेंट करके वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।